छोड़ करके भाग गए और ये भजन को सुनते रहे उसको पीछे पीछे भाग गए और बैगन की कांटा में ठाकुर जी के सारे कपड़े फट गए, ठाकुर जी के शरीर में दाग भी आ गया और जगन्नाथ जी आगे चुपचाप सो गए। जब सवेरे पुजारी जी ने देखा ठाकुर जी के सारे कपड़े फटे हुए और जगन्नाथ जी के शरीर में कांटा की दाग है तो उन्होंने ठाकुर जी के बड़े भक्त बताए, ठाकुर जी के चरण में लेट गए, ठाकुर जी ऐसे कैसे हो गया। कोई चिंता मत कर, मेरी कोई एक दासी थी देवदासी, देवदासी कौन है जो जिंदगी भर शादी नहीं करके ब्रह्मचर्य के पालन करते हुए जगन्नाथ जी को अपना प्रियतम मानते हैं, कहिए देवदासी। जगन्नाथ जी बोले देखो मैं बड़े प्रसन्न हूँ क्योंकि वो देवदासी गीत जो भी गा रही थी इसमें से राधा रानी की महिमा है, इसलिए कहते हैं ना राधे राधे रहो चले जहाँ से राधा रानी का नाम हो। जगन्नाथ जी रह ही नहीं सकते, कृष्ण रह ही नहीं सकते, उनको वहाँ आना ही पड़ता है। कोई चिंता मत कर मैं बड़े प्रसन्न हूँ। तब से जगन्नाथ पुरी संपूर्ण उड़ीसा में प्रचार किए, देखो ये भजन को जहाँ तहाँ मत गाया करो, ये भजन को वही गाया जाए जहाँ पर श्री जगन्नाथ जी और कृष्ण हुए के नहीं तो ठाकुर को बड़ा कष्ट होता है, इसलिए ठाकुर जी को भागना पड़ता है। ठाकुर जी को भागने का जरूरत नहीं, ठाकुर जी यहाँ पर खड़े हैं। जगन्नाथ जी का जो दुपट्टा जो कपड़े उसी कपड़े को जगन्नाथ जी पहनते हैं अभी हम जो भजन गाएंगे। और तुलसी पत्ते के ऊपर में एक एक श्लोक को लिख करके जगन्नाथ जी के गले में माला रूप में पहनाया करते हैं, तभी जगन्नाथ जी वो माला को पहनते हैं। ये भजन की बड़ी महिमा है, मैं गा रहा हूँ मेरे पीछे पीछे आपके सब दोहरा ठीक है। बोले जय जय दे बाहर जय जय दे